मेरा नाम सफिया नाइत है, मैं जिला बाग आजाद कश्मीर की रहने वाली हूँ। पांच में जो अर्थक्वेक आया था उसमें मेरी स्पाइनल कार्ड इंजरी हो गई थी। मैं आजकल यहाँ पे एहसास फाउंडेशन में टीचिंग कर रही हूँ और साथ साथ जो बीड्स मेडिकल का ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बीड्स बनाती हूँ। बहुत से लोग हमें डिसेबल कहते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते कि हम डिसेबल हैं। और मेरी तो सबसे गुजारिश है कि हमें डिसेबल मत कहा जाए, क्योंकि डिसेबल हम तब होते जब हमारा दिमाग ना होता। जब हमारा दिमाग है तो हम डिसेबल हैं। अगर दिमाग ना होता, हमारी लेग्स होती तो हमने इस लेग्स का क्या करना था। जब हमें अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता, अपने पराए की पहचान ना होती तो हमारे किसी काम की ये लेग्स नहीं थी। इसलिए हम डिसेबल नहीं हैं और ना ही हमें डिसेबल कहा जाए। उसके बाद ये पेपर बीड्स वाले हमें एहसास फाउंडेशन में आए, यहाँ पे पेपर बीड्स वाले आए, हमें बीड्स बनाना सिखाया। बहुत बार हमसे गलत बने, बेहतर किया, फिर गलत बना, फिर बेहतर किया। बहुत अच्छे से इन्होंने सिखाया। फिर हम ये बीड्स बनाते हैं, हम सब मिलजुल के ये जब मिल बैठ के ये बनाते हैं बीड्स, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है। एक दिन हमारे पास पेपर बीड्स वाले आए तो उन्होंने हमें बताया कि आप हम आपको एक ऐसा काम दे रहे हैं जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें पेपर बीड्स के बारे में तो पहले पता नहीं था, तो हमें हैरानी भी बहुत हुई। तो इन्होंने हमें बताया, हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये काम हम घर बैठ के आसानी से करते हैं और वक्त की पाबंदी भी नहीं होती हमारे पास। और मैं इसके अलावा सेंटोरस में जॉब भी करती हूँ और सेकेंड टाइम में ये बनाती हूँ बीड्स, क्योंकि ये हम जब भी चाहें बना सकते हैं। टीवी देखते हुए हम बनाते हैं, बाहर बैठ के बनाते हैं, गपशप भी करते हैं। इस तरह हमें मतलब हमें पिछली कहानी भी याद नहीं आती अपनी, तो हमारा वक्त भी आसानी से गुजर जाता है।